ये है देवभूमि कुल्लू के बीचों बीच मौजूद नगर गांव। ये ब्यास नदी के बाएं तट पर बसा हुआ है। ऊंचे ऊंचे देवदार के वृक्षों के बीच बसा ये गांव कभी कुल्लू रियासत की राजधानी रहा है। ब्यास नदी की दाएं ओर बसा ये नगर गांव अपने प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विरासत के कारण असंख्य पर्यटकों, प्रकृति प्रेमियों और संस्कृति विशारदों को आकर्षित करता रहा है। नगर का एक खास आकर्षण है नगर कैसल, जो कभी कुल्लू के राज परिवार का निवास स्थान था। आज इसे एक हेरिटेज होटल में तब्दील किया गया है। इसी के अंदर मौजूद है म्यूजियम, संग्रहालय, जिसमें सैलानी कुल्लू संस्कृति की झलक पा सकते हैं। यहाँ के निवासियों का रहन सहन, बर्तन, आभूषण, अस्त्र शस्त्र और लोक जीवन के विभिन्न पहलू यहाँ जीवन तरीके से दर्शाए गए हैं। सीधा सादा और मेहनती जीवन यहाँ के विशिष्ट पहचान है। यहाँ मौजूद ढोल नगाड़े और नरकहाल जैसे वाद्य यंत्र यहाँ की मेले उत्सवों से भरी नित्य गायन प्रेमी संस्कृति की झलक देते हैं। वन्य जीवों का शिकार भी इस प्रदेश के निवासियों का एक शौक रहा है। यहाँ दीवार में टंगे हिरण, टंगरोल जैसे वन्य जीवों के शीर्षाभिषेक लोक जीवन के इस पहलू को दर्शाते हैं। नगर विशिष्ट देव मंदिरों के लिए भी प्रख्यात है। कैसल के अंदर जगदीपोर्ट और बाहर नरसिंह का मंदिर यहाँ की लोक आस्था के केंद्र हैं। वहीं स्थानीय काष्ठकला के भी बेजोड़ नमूने हैं। कैसल से ही थोड़ी दूरी पर मौजूद है विचित्र शैली का त्रिपुरा सुंदर मंदिर। पगोड़ा शैली में बना ये मंदिर अपने आप में दर्शकों का ध्यान आकर्षित करता है। वर्ष भर में साड़ी जात्रा के नाम से मशहूर मेला यहाँ पर लगता है, जिसमें लोक संस्कृति के रंग बिरंगी सतरंगी छटा को दर्शन किए जा सकते हैं। नगर से ही ब्यास नदी के किनारे लेफ्ट बैंक के समानांतर दौड़ती है नगर से जाना की सड़क, जो अपने अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विख्यात है। रास्ते में ऊंचे ऊंचे देवदार के वृक्षों के नीचे से गुजरती है सड़क। सर्पीली और बल खाती यह नगर जाना सड़क यात्रियों को किसी दूसरे लोक में विचरण की अनुभूति देती है। रास्ते में बहते छोटे छोटे झरने और सरपट दौड़ते उछलते कूदते नाले सहज ही इस अनुभूति में एक नया रस खोलते। देवदार के घने जंगलों से गुजरती है सड़क कुछ ही मिनट में खुली घाटी की ओर बढ़ती है। ये है निशाला गांव, जो अपने सेब के बगानों, सब्जी के उत्पादन और पर्यटन केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। अपने विरल प्राकृतिक सौंदर्य के कारण इसे मिनी स्विट्जरलैंड का भी नाम दिया गया है।
सीढ़ीनुमा खेतों में धान की खेती, सेब से लदे हुए बाग और पृष्ठभूमि में घने देवदार के जंगलों से पटी हुई पहाड़ियाँ तथा सुदूर पृष्ठभूमि में गगनचुंबी पर्वत श्रृंखलाएँ और उनमें उड़ते दौड़ते तैरते बादलों के टुकड़े एक अलौकिक दृश्य की सृष्टि करते हैं। कोई आश्चर्य नहीं जब पर्यटक इनके आगोश में स्वर्गीय आनंद की रोमांचक अनुभूति से सरोवर हो जाता है। बरसात का मौसम यहाँ विशेष रूप से दर्शनीय रहता है। जब यहाँ पर बादल के टुकड़े हवा में उड़ते हुए पूरी वादी में इधर से उधर दौड़ते हुए दिखते हैं और सैलानियों को रास्ते में अपने आगोश में लेकर उन्हें ठंडक और रोमांच की अनुभूति देते हैं। गांव का ही एक विशेष आकर्षण का केंद्र है निशाला माता का मंदिर, जो गांव के पीछे देवदार के जंगलों के बीच में मौजूद है। चामुंडा देवी को समर्पित यह मंदिर घाटी भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। श्रद्धालु यहां आकर अपने दैहिक देवी को आध्यात्मिक कष्टों एवं संताप से मुक्ति पाकर और मनमांगी मुराद पूरा करते हैं। मंदिर की उत्कृष्ट काष्ठ कला नेत्रों के लिए एक सुखद अनुभूति से कम नहीं है। मंदिर के चारों ओर देवदार के गगनचुंबी वृक्ष इसकी सुंदरता और दिव्यता को चार चांद लगा देते हैं। निशाला गांव से आगे की यात्रा भी एक रोमांचक अनुभूति से कम नहीं। देवदार के ऊंचे वृक्षों के बीच में ये यात्रा यात्रियों को एक नए आनंद का सबब बनती है। कुछ ही देर में सड़क के दोनों ओर देवदार के वृक्ष जैसे यात्रियों का स्वागत अभिवादन करने के लिए खड़े हुए प्रतीत होते हैं। कुछ ही देर में सड़क ऐसे बिंदु पर आती है जहां आसपास के वृक्ष विरल हो जाते हैं और नीचे कुल्लू मनाली घाटी के बीचों बीच स्थित पत्रिकुल कटराई के मनमोहक दृश्यावली का विहंगम दृश्य पेश करते हैं। ऊंचे ऊंचे आसमान छूते पर्वतों के ऊपर नीचे व तल में तैरते खेलते उड़ते फिरते बादल के टुकड़े एक स्वप्नलोक शिखा दृश्य खड़ा करते हैं। ये घाटी अपने फलों के बगीचों के लिए प्रख्यात है। यहाँ पर सेब, पलम, नाशपति, आड़ू जैसे फल प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और विशेषकर सेब से तो यहाँ के वृक्ष लदे रहते हैं, जो पूरे देश ही नहीं विदेश में भी अपने रस और अपने रंग व स्वाद के लिए मशहूर है। से दूर पत्रिकुल से आगे मनाली घाटी के दर्शन भी सहज ही किए जा सकते हैं, हालांकि बादलों के ओट में आगे के नगर व गांव दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन घाटी के बीचों बीच में व्यास नदी एक पतली सी सफेद रेखा के रूप में दिखाई पड़ती है। Thank you.
यीशु रूस यात्रा का अगला पड़ाव जाना गांव है। इसके बीच का रास्ता भी अपने आप में एक जो है रोमांच से भरी हुई अनुभूति है। यात्रा के इस अंतिम छोर पर आता है जाना गांव। नगर से चलने वाली बस का भी ये अंतिम स्टॉप है। बादलों से खेलती यहाँ की ऊंची ऊंची वादियाँ सहज ही पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करती। पहाड़ी शैली में बने काष्ठ के मकान भी अपनी सरलता, सादगी व देवोपम सौंदर्य से पर्यटकों को लुभाते हैं। प्रकृति की गोद में बसा ये गांव, इसके देवस्थल, यहाँ की संस्कृति स्वयं में एक शोध अध्ययन की विषय वस्तु है। अभी भी अपनी देव संस्कृति को संजोए हुए हैं। यात्रा का ये अनुभव इतना मनभावन, इतना मनमोहक और इतना रोमांचक है कि यात्री को लगता है कि हम यहीं कुछ दिन और ठहरें, हम कुछ दिन और यहीं पर निवास करें, कुछ दिन हम यहीं पर गहन चिंतन मनन और ध्यान में बिताएं। किंतु समय की सीमा इसकी इजाज़त नहीं देती और यात्रा की सुखद समितियों के साथ यात्रीगण वापिस अपने शुरुआती पड़ाव की ओर कूच कर जाते। रास्ते में देवदार के वृक्षों के बीच में लुका छिपी करता हुआ नगर गांव शीघ्र ही पास में आ जाता है और यात्रीगण अपनी यात्रा की सुखद अनुभूतियों को समेटे हुए अपने गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थान कर जाता है।